गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज मंडे एंड आई एम हियर विद लेक्चर मंडे विद अ न्यू पार्ट इन टेक्निकल टर्म्स टू बी लर्नड इन प्लांट ब्रीडिंग। द फर्स्ट वन इज जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन एक्सीटू। जर्मप्लाज्म क्या होता है, जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है, तीन टाइप के क्या होते हैं, वर्किंग बेस, कलेक्शन, सबके बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये एक्सीटू क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ओरिजिनल जगह से मींस नेचुरल जगह से हटा के कहीं और, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, एग्जाम्पल इन सीड जीन बैंक्स, फील्ड जीन बैंक्स, एज स्लो ग्रोथ कल्चर्स, इन लिक्विड नाइट्रोजन और इवन इन डीएनए जीन बैंक्स। नाउ इन सीटू क्या होगा, जहाँ नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर कंजर्व करना। देन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है, प्री ब्रीडिंग होता है एंड द सेम इज द मीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म इन्हांसमेंट। अब प्री ब्रीडिंग क्या होता है, प्री ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिजायरेबल ट्रेट है, कैरेक्टर है, उसके सोर्स को अगर हम डायरेक्टली ब्रीडिंग में नहीं यूज कर सकते तो उसे पहले सोर्स से निकाल के फिर एक इंटरमीडिएट में डाल के एंड देन उसको यूटिलाइज करते हैं फाइनली ब्रीडिंग में, तब हम लोग उसको बोलते हैं प्री ब्रीडिंग। तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, देन टेकिंग इट आउट, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तो ये पूरे को प्री ब्रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज जर्म प्लाज्म एक्सचेंज। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब होता है जर्म प्लाज्म को तो उसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म एक्सचेंज। नाउ जर्म प्लाज्म रीजनरेशन मीन्स ग्रोइंग सीड्स ऑफ जर्म प्लाज्म एक्सेशंस इन फील्ड एंड हार्वेस्टिंग देयर सीड्स फॉर फर्दर स्टोरेज। मतलब पहले उसको ग्रो कराएं, फिर उसको हार्वेस्ट करके फिर उसके भी सीड्स को कंजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन हैज़ द सेम मीनिंग एज रीजनरेशन, दैट इज रीजुवेनरेशन। ओके, दोनों का मतलब सेम होता है। लास्ट वन इज ग्लूटीन। वीट के केस में जो कि वाटर सॉल्यूबल फ्रैक्शन देखा जाता है ना फ्लोर प्रोटीन का, दैट इज नोन एज ग्लूटीन। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल अगेन कम अप। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।